तो अपन को ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी अपन को पता करनी है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी 15 डिग्रीज पे जब थी तब तो अपन मान लेते हैं कि म्यू वन फाइव इजिक्वल्स टू जो अपना म्यू थी एयर कॉलम की उससे चार ज्यादा क्योंकि बीट्स है चार बीट्स एक्स्ट्रा होंगे और 10 डिग्रीज पे क्या होगा 10 डिग्रीज पे म्यू टेन इक्वल्स टू म्यू प्लस थ्री क्योंकि थ्री बीट्स पर सेकेंड है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वी वन फाइव इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैमडा होती है तो अपने केस में फ्रीक्वेंसी क्या है फिफ्टीन डिग्रीज पे म्यू प्लस फोर इंटू लैमडा ये वी वन फाइव वैसे हीवल्स टू म्यू प्लस थ्री इंटू लैमडा है टेन डिग्रीज पे इतना है तो उसके बाद इन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो लैमडा हट जाएगा तो वी वन फाइव बाई वी टेन इज इक्वल्स टू म्यू प्लस फोर

एट थ्री प्लस फाइव लिख सकते हैं तो ये आगे जाके टू एट थ्री होल पर वन बाई टू हो जाएगा तो ये बहुत छोटा वैल्यू है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से अपन क्या कर सकते वन बाई टू इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हाफ मल्टीप्लाईड बाय फाइव बाई टू एट थ्री और एल एच एस में क्या है म्यू प्लस फोर बाय प्लस थ्री तो इसको भी म्यू प्लस थ्री प्लस वन लिख सकते हैं बाई म्यू प्लस थ्री इज इक्वल्स टू वन प्लस

आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ